सो हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी तक मतलब हम लोग इतने टाइम से सब कर लिया है, देखते हैं अब रिश्तेदार कितने टाइम से आते हैं। मतलब हम लोग तो घर वाले हैं तो कर ही लेंगे टाइम से। और देखिए मैं कितना ग्लो कर रही हूँ, देखो ओके बहुत क्या कोशिश करेंगे 9 तक निकलना है, 8 तक ही कर लेंगे कोशिश अगर सारे आ गए तो। आप तो तैयार हो जाओ, बैठ जाओ, आप ही कहा साड़ी पहन लें। सो वी अब देखते हैं रिश्तेदार का वेट कर रहे हैं। बहुत सारी ट्रांजिशंस रेडी कर ली हैं, सबकी करा दी है मैंने लगभग लगभग। मम्मी का पूजा हो जाए उनके साथ और करा लेंगे। और मैंने सोचा सुनो एक साड़ी जो बहन है ना कजिन सबको इकट्ठा कर लेना, एक जाकर उनके साथ गंदा सा और फिर अच्छा सा ट्राई कर लेंगे। हाँ लेट्स ट्राई इट। नाना सबसे पहले आ चुके हैं, ये हमारे सबसे पहले मेहमान है। अभी मैं मम्मी के साथ बना रही तो इसने पायल पहनी हुई थी तो मेरा भी मन हुआ, मैंने कहा मुझे ही पायल पहनना है। तो क्या आप बना देंगे मुझे? यार ये लोग का जल्दी कर ले यार, मेरे को कौन तो बस वो लोग तो आ नहीं वाले तो आएगा ना, लेकिन अपन तो लेट हो जाएंगे ना। तो मतलब हम लोग तो सब आ गए थे और ये गोलू मामा भी आ चुके हैं, से हाय। और यहाँ पे मेरी मौसी वगैरह भी सब लगभग हमारे रिलेटिव जो है ना सब आ गए, लेकिन ये जो हमारे जो गांव के हैं ना, मतलब ये नहीं बोलूंगी गांव के, वो भी रिलेटिव है, वो इतना लेट कर रहे हैं ना, जल्दी आओ। सो मैंने निकालने से पहले सनस्क्रीन लगा ली थी और थोड़ा सा सिंपल सा लिपस्टिक लगा लिया था। एंड रिलेटिव्स आ गए, मेरे मामी आ गई हैं, दो मामियाँ हैं मेरी, तो दोनों मामी आ गई हैं और जो हमारे खास हैं लगभग आ गए हैं, पर गांव वालों ने लेट कर दिया है। गाइस लेट नहीं करना था बिकॉज हमारा सफ़र लंबा है, 6 घंटे चाहिए हमें। मैं हाय आदि अंदर आ जाओ, हाय इधर आओ, आओ आओ। देखो ये आ गई है तो हाय करो, बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। तो हम सब रेडी है ना अंदर जाने के लिए। वेलकम बैक टू सुवी दीदी ब्लॉग। वेलकम बैक यू सुवी दीदी। यस। तो मैं मिलाना चाहती हूँ आपको पिंसू से। आइए पिंसू। हाय गाइस वेलकम। तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए? ऐसे ऐसे कैसे चलेगा? तो ऐसे मैंने बोला ऐसे कैसे चलेगा। हमने सोचा था शायद टाइम से निकल जाएंगे बट यहीं पे 9 बजने वाले हैं, बट वी ट्राई, अभी भी हम ट्राई कर रहे हैं कि हम टाइम से निकले हैं, है ना आदि? अपन लोग टाइम से निकलने का ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जैसे कि हमारे फ्रेंड्स आना स्टार्ट हो गए हैं तो फाइनली 9 बजने में 10 मिनट हैं और सभी आ चुके हैं, सभी घर से बाहर निकल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये दोनों को आप जानते ही होंगे। हाय सक्षम, सभी आ गए। हाय यश, सबको बन रहा है। और ये अब घर लॉक होने वाला है। फाइनली हम लोगों ने लास्ट सीट ले ली है। और गाइस मेरे रिश्तेदार देख रहे हैं बट मैं नहीं चाहती कि मैं घर रहा हूँ, बट क्या करें थोड़ा घर रहना पड़ता है। सो एवरीवन हमने तो कार की थी, कार में हमारे रिलेटिव्स भी आ गए हैं, सॉरी हम लोग भी टाइम से आते, बट गाँव कार गांव से ही आधी भरी आ चुकी थी। बट ऐसा नहीं है कि गांव पे भी ज़्यादा लोग थे, यहाँ पे भी जो लोग थे वो लोग अपनी कार लेके आए, बट वो यहाँ पे रख के कार साथ में लेके नहीं गए हैं। जैसे कि होता है ना हम कहीं कार लेके जाते हैं तो कई लोग तो इतने देर वाले होते हैं कि अपनी कार को ले जाते हैं, बट कई लोग सोचते हैं यहीं रख जाओ इनका साधन है, यही लोग परेशान होंगे। तो हम लोगों को बहुत परेशानी देखनी पड़ी क्योंकि रिलेटिव पहला फंक्शन हमारे बहुत ज़्यादा हुआ है, आप देख सकते हैं बाहर कुछ लोग खड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर खड़े हैं। तो वो लोगों के लिए अब हम लोगों को कार्स भी करनी पड़ेगी क्योंकि हमको नहीं लगा था इतने लोग जाएंगे शायद, पर हमने फिर भी कर ली थी। देखते हैं अब क्या होता है। हम लोग काफ़ी, मेरा तो फेयर था कि हमारे अपने बैठ जाएँ, हम लोग तो फिर भी कर लेंगे सफ़र कोई ना। सो गाइस इन लोगों को जगह नहीं मिली, अब पापा कार कर रहा है। सो इतने सारे लोग ले गए बाहर, पापा भी हैं। जैसे चाचा खड़े हैं आप देख सकते हो, और हम लोगों ने थोड़ा सा व्यवस्था की है कुछ, क्योंकि अब एकदम से तो नहीं हो सकता है, काफ़ी सफरेबल हो गया हम लोगों के लिए। बट इसमें हमें रिलेटिव्स का बहुत दिखा है कि हाउ कंजूस है अपनी कार को ले जाना में। सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। सो गाइस कोई यहाँ पे देख ले निम्बू,
राधिका वैष्णवी, जय माता दी, लेट्स रॉक। तो फाइनली हम लोग कौन से निकलने वाले हैं, कल के तक बस हो गए हैं और सब लोग ऐसे ही हैं। तो मैंने थोड़ी सी नींद ले ली, दो घंटे की मैं उड़ गई और गाइस मतलब बस उतर चुकी है। ये हमारे सारे गेस्ट हैं, सभी टॉयलेट जा रहे हैं, सभी थोड़ा सा हल्का हो रहे हैं, क्या रहता। और ये हमारी बस है, आप देख सकते हैं, और एक रील बनाएंगे अभी हम, ये इतना सारा ले लिया है। सो गोलू मामा से पूछना चाहूंगी, आपको कितना सफर करना पड़ा? हाँ बता भी दो। लेकिन आपको ऐसे ही डालने वाली हूँ मैं सबको, सब नेचुरल देखेंगे कि कौन कैसा लग रहा है। जो ढाबा आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सब लोगों ने खाना खा लिया है क्योंकि अभी बज रहे हैं 11-12 बज रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग पहुँचेंगे एटलीस्ट 3-4 बजे। लोगों को भूख तो लगी आती है, तो सब ने बढ़िया खाना खा लिया है और ये हमारी बस लगी है, अब हम लोग जाएंगे फिर से। सो जैसे कि सोचा था, तो इतना टफ भी नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और सब कुछ आगे भी बहुत अच्छा होगा। और हम सब लोग आप देख सकते हैं किस किस सिचुएशन में है, बस अब ये देखो कितने सेक्सी वे में खड़ी है, सेक्सी वे। पापा भी आ चुके हैं, अब बस ये लोग और थोड़ा बहुत खा पी लें और फिर उसके बाद सब निकल जाएंगे। मैं क्या करके आई थी और कैसी बन गई हूँ, मेरे बालों में कूचा हो गया है, मतलब इतने गंदे हुए हैं एकदम से। अभी 87 किलोमीटर और बचे हैं, बहुत बड़ा सफर है। राइट 9 बजे के निकले हुए हैं और अभी बज रहा है, टाइम देखते हुए कितना हो रहा है, 7 घंटे लग रहे हैं। लाइक ओके 7 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। फाइनली हम लोग इंदौर एंटर कर रहे हैं, 3 बज गए हैं 9 बजे से। हालत देख सकते हैं आप, मतलब भूत आ रहे हैं मुझे, 10 मिनट पर लोकेशन पर ही पहुँच जाएंगे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं एंड ये हमारे सारे रिलेटिव्स हैं, ये सारे बैग्स उठा के आएंगे और हम लोग आगे जा रहे हैं और मैं आपको गार्डन दिखाती हूँ। सो और मुझे मेरे जीजू दिख गए हैं यहाँ से, आपको मेरे जीजू से को भी दिखा दूंगी। चांद के टुकड़े का पहले ही वो हो गया है। यह है हमारी लोकेशन, देख सकते हैं काफी प्यारी है और ये सब रिलेटिव्स प्रदीप चाचा लाइक ओके Hi, how are you? All